क्या आप जानते हो कि हीलियम बलून्स भी एक घर को उड़ा सकते हैं? वही हीलियम बलून्स जो आपने मेले में खेल खेल में खरीदे थे। और क्या आप बता सकते हो कि इस इमेज में ये एक ग्लोब है या फिर एक गार्डन है? इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके मुंह से केवल दो ही शब्द निकलेंगे, अद्वितीय, उत्तम। नमस्कार, मैं हूं सैफ और स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। आप एक काम करो, ठीक है, अभी आपके फोन के स्क्रीन पे एक इमेज शो होने वाला है, ओके? तो आप फोन को बिल्कुल अपने फेस के सामने ले आओ, ऐसे। हाँ, ले आओ, ठीक है। हाँ चलो करो। अभी आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा बहुत सारा रैंडम ग्रिड्स, ठीक है। तो वहीं अब अपने फोन को अपने चेहरे से दूर ले जाओ हाथों की मदद से, ठीक है। और अब फोन को अपने चेहरे के पास ले आओ। क्या दिख रहा है? कुछ नहीं है ना। तो ये एक बहुत ही फेमस ऑप्टिकल इल्यूजन है। मुझे लगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बता देना चाहिए। मतलब इससे ये समझ में आता है कि कोई भी चीज पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है कि आप उसको किस एंगल से देख रहे हो। हीट मैप क्या होता है? हीट मैप क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एरिया का हीट मैप है, मान लो जैसे कि मैं आपसे कहूं कि इस दुकान का हीट मैप देखो इस रीजन में, तो आपको मैप पर वहां हीटेड पॉइंट नजर आएंगे, मतलब वो चीज मैप पर वहां वहां है। तो अगर आप अमेरिका का मैकडॉनल्ड का हीट मैप देखोगे ना, तो आप शॉक हो जाओगे। तो देखो, अमेरिका के इस लोकेशन पर मैकडॉनल्ड मौजूद है और राइट वाले कॉर्नर पर तो एकदम कॉन्सेंट्रेट है, एकदम डेंस लेवल पे। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि हाँ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके नीचे ये है वो है। बट आप लिटरली इसका मीनिंग जानते हो कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या है? तो ये इमेज है इसका मीनिंग। आप देख सकते हो कि बर्फ का ये टुकड़ा समुन्दर में मौजूद है, लेकिन ये ऊपर में सिर्फ इतना ही दिख रहा है। तो जो व्यूवर्स होंगे उनको लगेगा बस हाँ ये इतना ही, बस हाँ ये खत्म। लेकिन इसका रियल चीज जो है वो इसके नीचे मौजूद है। इसका रियल पार्ट, जो मेजोरिटी पार्ट है, वो नीचे मौजूद है। इसलिए हम टिप ऑफ द आइसबर्ग किसी ऐसी चीज को बोलते हैं जिसका केवल हिंट दिख रहा है बट रियल चीज बाकी है। 10 साल की टिली स्मिथ ने 2004 की सुनामी के समय थाईलैंड के फुकेट बीच पर आने वाली सुनामी के पहले ही वार्निंग देकर सभी लोगों को बचा लिया, क्योंकि उसने बीच पर देखा कि समुद्र का पानी कुछ ज्यादा ही पीछे जा रहा है। और ये बात उसने ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ी थी। फुकेट बीच एक लौता ऐसा बीच था जिस पर किसी की भी जान नहीं गई बिकॉज ऑफ दिस गर्ल।